हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ पूनम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक समझाए थे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाई शुड वी ब्रीथ थ्रू नोज। व्हाई शुड वी ब्रीथ थ्रू नोज मींस हमें नाक के थ्रू ही सांस क्यों लेना चाहिए। आवर नोज कंटेन्स स्मॉल हेयर। इसका रीज़न ये है कि हमारे नोज में स्मॉल हेयर होते हैं विच एक्ट, जो वर्क करते हैं एज ए फिल्टर, एक फिल्टर की तरह फॉर डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स, डस्ट और दूसरे पार्टिकल्स के लिए। हैंस ओनली क्लीन एयर एंटर्स आवर लंग्स। इसलिए केवल क्लीन एयर ही हमारे लंग्स में एंटर करती है। टोटल मीन्स ये हुआ कि हमारे नोज के अंदर जो स्मॉल हेयर्स होते हैं वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर एंड अदर पार्टिकल्स होते हैं उनको नोज के अंदर नहीं जाने देते हैं, और केवल क्लीन एयर ही हमारे लंग्स में एंटर कर पाती है। सो इसलिए हमें वी शुड ब्रीथ थ्रू नोज। नेक्स्ट आपका सिस्टम है द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये सिस्टम जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। द फूड वी ईट पासिस थ्रू द फूड पाइप। वो फूड जो हम खाते हैं पासिस यानी निकल गुजरता है थ्रू द फूड पाइप, फूड पाइप के थ्रू, एंड रीच द स्टमक, स्टमक में पहुंचता है, एंड देन एंटर द इंटेस्टाइन्स, उसके बाद इंटेस्टाइन में एंटर करता है। हेयर द कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन। यहाँ पर इंटेस्टाइन में इस कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रोकन डाउन तोड़ा जाता है इंटू सिंपलर फॉर्म में, एंड दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। और इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। यही प्रोसेस जो है डाइजेशन कहलाती है। द अनवांटेड फूड, इसके बाद जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है या हमारी बॉडी के लिए वेस्ट होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं, पास आउट निकाल दिए जाते हैं ऑफ द बॉडी, बॉडी से थ्रू द ओपनिंग, इस ओपनिंग से जिसे हम कहते हैं अनस। नेक्स्ट टॉपिक इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। This system helps to produce babies. It is this system which helps the life to go on. ये वो सिस्टम है जो नई लाइफ नए बेबी को जन्म देता है या नए बेबी के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सक्रेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। ये सिस्टम हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव यानी बाहर निकालने का या हटाने का वर्क करता है। इट इज़ कम्पोज ऑफ किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर। ये इसके ऑर्गन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज रेगुलर एक्सरसाइज गुड फॉर योर हार्ट। रेगुलर एक्सरसाइज किस तरह से हमारे हार्ट के लिए गुड होता है या हमारी हार्ट को हेल्थी बनाता है। When you exercise, जब आप exercise करते हैं, your heart has to work harder, तो आपके heart को भी अधिक work करना पड़ता है to get oxygen, oxygen लेने के लिए, to the working muscles, जिससे आपकी muscles या heart की muscles जो है work कर सके properly. This make your heart strong, और ये process जो है हमारे heart को strong बनाती है. Next question, could you name things that are bad for human health? क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो ह्यूमन हेल्थ को के लिए बैड है या ह्यूमन हेल्थ को बिगाड़ सकती है? यस, स्मोकिंग सिगरेट्स, ड्रिंकिंग अल्कोहल, लेक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी, एंड ए पुअर डाइट ऑल डैमेज आवर हेल्थ। ये सभी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है। आपका होमवर्क ये है कि आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है एंड पूरे चैप्टर को फिर से पढ़ना है एंड समझना है। साथ ही आपको दो डायग्राम हैं जो आपको अपनी वन साइडेड कॉपी में ड्रॉ करने हैं। पेज नंबर 10 पर ये डायग्राम जिस पे मैंने टिक कर दिए हैं, ये दो डायग्राम आपको होमवर्क में ड्रॉ करने हैं अपनी कॉपी में। द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द एक्सक्रेटरी सिस्टम। थैंक यू।